1928 में आज ही के दिन मशहूर इतिहासकार विपिन चंद्र का जन्म हुआ था। विपिन चंद्र को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 2010 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। 1962 में आज ही के दिन मशहूर क्रिकेटर और उम्दा कमेंटेटर रवि शास्त्री का जन्म हुआ था। 1981 में रवि शास्त्री ने अपना पहला टेस्ट और वनडे मैच खेला था। शास्त्री ने 1992 में आखिरी टेस्ट मैच और वनडे खेला। आज के दिन 1964 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। नेहरू के निधन की खबर फैलते ही उनके घर के बाहर जनसमूह उमड़ पड़ा और उनकी अंतिम यात्रा निकलने से पहले करीब 2.5 लाख बच्चों, महिलाओं और पुरुषों ने उनके अंतिम दर्शन किए। 1994 में आज के दिन रूसी मूल के उपन्यासकार अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन की अमेरिका में 20 वर्ष तक निर्वासन में रहने के बाद घर वापसी हुई थी। अलेक्जेंडर को सोवियत संघ में प्रचलित गुलाम प्रथा के बारे में लिखने से ख्याति प्राप्त हुई थी। और आज के दिन 2010 में भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में बालसोरा जिले में परमाणु तकनीक से लैस धनुष और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पृथ्वी 2 मिसाइल धरती से धरती पर मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है, जबकि धनुष पृथ्वी मिसाइल का नौसेना संस्करण है।